टिप्स के बारे में अगर बात करूँ तो सबके पास वो नॉलेज ऑलरेडी है, वो खाली अपने आप पे इस्तेमाल करना है अभी. तो इट्स एज सिंपल एज दैट, जस्ट अप्लाइंग व्हाट यू नो. फ्रेंड्स, टाइगर की नेक्स्ट मूवी आ रही है बागी 3. लेकिन आज के वीडियो में आपको मिलेंगे 3 नहीं 6 नहीं पूरे 9 टिप्स विथ फुल एक्सप्लेनेशन, जिसे समझकर और सही तरीके से फॉलो करके आप भी अपना वेट या बेली फैट बड़ी आसानी से कम कर सकते हैं. तो चलिए सुनते हैं फर्स्ट टिप. वेदर इट्स लूजिंग अ फ्यू इंचेस ऑन योर वेस्ट, वेदर इट्स गेनिंग इंचेस ऑन योर आर्म्स, सेट एनी गोल एंड जस्ट कीप योर माइंड टू इट एंड वर्क टुवर्ड्स इट एवरी डे. तो फ्रेंड्स, सिर्फ सोचने या चाहने मात्र से कुछ भी नहीं होगा. आपको सबसे पहले एक गोल सेट करना होगा और फिर उस गोल को प्राप्त करने के लिए आपको एफर्ट्स करने होंगे, वो भी रोज़ और लगातार, जब तक कि आपका वेट लॉस गोल अचीव नहीं हो जाता. क्योंकि फ्रेंड्स, वीक में सिर्फ 2 दिन वर्कआउट और 3 दिन डाइट का ध्यान रख के आप वेट लॉस के अच्छे रिजल्ट्स नहीं ले सकते. इसके लिए आपको डाइट और वर्कआउट को अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना होगा. आइए टाइगर से जानते हैं कि डाइट और वर्कआउट में क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. You know, before joining a gym, just look out for what you eat. I think your diet, your nutrition is more important than anything. Diet, like I said, is key. I would say it's 70% of the ball game, really. So if your diet is not in place, no matter how hard you work in the gym, you're not going to get the results as fast as you desire. फ्रेंड्स, आप में से कई लोग वेट या बेली फैट लॉस के लिए जिम की मेंबरशिप तो ले लेते हैं, बट अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखते. जबकि वेट या फैट लॉस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है डाइट. रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग, डेफिनेटली. फ्रेंड्स, फैट लॉस के लिए रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग यानी आपको कैलोरिक डेफिसिट डाइट लेनी है. यानी आप दिन में जितनी कैलोरीज खर्च करते हैं उससे कम कैलोरी की डाइट लेकर ही आप अपना वजन कम कर सकते हैं. यानी अगर आप कैलोरी सरप्लस डाइट में हैं तो आप चाहे घंटों वर्कआउट क्यों ना कर लो, आपका वज़न बिल्कुल भी कम नहीं होगा. यानी बिना कैलोरिक डेफिसिट डाइट लिए आप अपना वेट लॉस कर ही नहीं सकते. इसीलिए टाइगर ने आपको बताया है कि 70% रोल डाइट का होता है. अगर आप बिना ज़्यादा कैलकुलेशन के कैलोरिक डेफिसिट डाइट फॉलो करना चाहें, वो भी बड़ी आसानी से, तो आपको देखना चाहिए मेरा ये वीडियो. और अगर आप माई फिटनेस पाल मोबाइल ऐप की हेल्प से अपना कैलोरिक डेफिसिट डाइट फॉलो करना चाहें तो आपको देखना चाहिए ये वीडियो. कैलोरी काउंटिंग के अलावा डाइट का दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है आपका प्रोटीन इनटेक. एक अच्छा फैट लॉस रिजल्ट पाने के लिए आपको अपनी टोटल कैलोरीज का 25-30% प्रोटीन से लेना चाहिए. One can take supplements. Whey protein is a supplement I suggest for people to take. Okay. It helps in recovery and rebuilding the muscle tissue, damaged muscle tissue. Right. So you can get back sooner to the gym and work harder. पोस्ट वर्कआउट वे प्रोटीन सप्लीमेंट लेकर आप न सिर्फ अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ा सकते हैं, बल्कि बड़ी आसानी से आप कैलोरिक डेफिसिट में भी रह सकते हैं. क्योंकि वे प्रोटीन सप्लीमेंट से मिलता है आपको मिनिमम कैलोरीज में मैक्सिमम प्रोटीन. आपको चाहे एक अच्छा वे प्रोटीन सप्लीमेंट लेना हो या वेट लॉस से रिलेटेड कोई भी इफेक्टिव और बेस्ट प्रोडक्ट, आप इसे बड़ी आसानी से मेरे वेट लॉस स्टोर से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. वी लिव वेरी, इट्स वेरी टेक सैवी वर्ल्ड नाउ, यू नो, लॉट ऑफ पीपल लिव वेरी सेडेंटरी लाइव्स. आई मीन, यू हैव बीन गिवन दिस बॉडी फॉर अ पर्पस, फॉर अ रीजन. आई बिलीव दैट दैट रीजन इज ऑलवेज टू कीप मूविंग, टू कीप लिविंग. आई एम नॉट telling you guys to get on a treadmill and run. I'm telling you guys to go out there on the playground, have fun, you know, play a sport or do something, you know. So it's all about movement. Friends, aajkal hamare haath kaam aate hain mobile operate karne ke liye aur pair kaam aate hain ABC yani accelerator, brake aur clutch dabane ke liye. Lekin aapko samajhna hoga ki hamare haath, pair aur sharir in aasan kaamon ke liye design nahi kiye gaye the. Technology ke is yug mein humne chalna to almost chhod hi diya hai. और हर छोटी दूरी तक जाने के लिए भी हमें बाइक या कार चाहिए. नतीजा, बुढ़ापे में आप अपने घर पर भी चलने के लायक
नहीं रहते और आपको वॉकिंग स्टिक का सहारा लेना पड़ता है, और बढ़ता वजन भी आपके नीज यानी घुटनों को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। तो बेहतर है कि आप समझ जाएं और संभल जाएं और एक एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो करें। Do everything and anything that makes you happy and that keeps you engaged. Don't get bored. अपने आप को एक्टिव बनाए रखने के लिए आपको ऐसी एक्टिविटी चुननी चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, ताकि आप बोर ना हो। आप वॉकिंग, जॉगिंग, जुम्बा, डांस, योगा, स्विमिंग, स्पोर्ट्स, इनमें से कोई भी एक्टिविटी चुन लीजिए और इसे रेगुलरली फॉलो करें। मेंटेनिंग मसल मास रिक्वायर्स यू टू मूव योर मसल्स, मूव अ रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ योर मसल्स। सो इट्स ऑल अबाउट यू नो मूविंग इन द जिम, मूविंग इन योर एक्टिविटीज, कीप स्टिम्युलेटिंग योर मसल्स, ईटिंग राइट, इट्स अ बैलेंस ऑफ एवरीथिंग। फ्रेंड्स, डार्कनेस हटाने के लिए जो रोल लाइट का होता है, वही रोल मसल का होता है फैट लॉस करने में। यानी मसल मास बढ़ाकर आप बड़ी आसानी से हेल्दी वे में अपना फैट लॉस कर सकते हैं। और मसल मास बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। आइए टाइगर से जानते हैं कि ये अपनी स्ट्रेंथ यानी वेट ट्रेनिंग कब परफॉर्म करते हैं। इन द इवनिंग आई यूजुअली वेट ट्रेन। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के लिए अगर आपके पास मॉर्निंग और इवनिंग दोनों ऑप्शन अवेलेबल हो, तो इवनिंग में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना एक बेहतर ऑप्शन होता है मसल मास बढ़ाने के लिए। क्योंकि इवनिंग में नॉर्मली आपके ग्लाइकोजन स्टोर फुल होते हैं, जिसकी वजह से जिम में आपका परफॉर्मेंस बेहतर हो पाता है, और ट्रेनिंग के बाद आपको बहुत जल्द 8 आवर्स की गुड नाइट स्लीप मिल जाती है, जिससे आपके बॉडी को रिक्वायर्ड रेस्ट जल्दी मिल जाता है, और इस प्रकार जल्द और अच्छी रिकवरी मिलने की वजह से आपका मसल मास जल्दी बढ़ता है, और ये बढ़ता मसल मास आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर आपके फैट लॉस में बेहद हेल्प करता है। Sometimes when you know I push myself so much, I need to refuel myself. So I just once a week minimum. कैलोरी डेफिसिट डाइट के दौरान आपका मेटाबॉलिज्म स्लो ना हो और आपका मन भी लगा रहे, इसके लिए आपको सप्ताह में एक पूरा दिन नहीं बल्कि सिर्फ एक मील एज ए चीट मील ज़रूर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ आपके लिए प्रो टिप ये है कि आपको अपनी प्लानिंग ऐसी रखनी चाहिए कि आप अपने हार्डेस्ट वर्कआउट सेशन के बाद चीट मील लें, फॉर एग्जांपल लेग्स वर्कआउट के बाद। डोंट हैव टू मेनी गैप्स इन बिटवीन योर मील्स बिकॉज़ इट क्रिएट्स एसिडिटी एंड इट्स नॉट गुड फॉर योर मेटाबॉलिक रेट। फ्रीक्वेंट यानी 5 टाइम मील लेकर भी आप बड़ी आसानी से एसिडिटी या इनडाइजेशन से भी बच सकते हैं और अपना मेटाबॉलिक रेट भी हाई रख सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए प्रो टिप ये है कि आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि इनमें से 2 मील ऐसी ज़रूर हो जिसमें मैक्सिमम प्रोटीन और मिनिमम कार्ब हो, ताकि इंसुलिन का रोल कम से कम हो और आप अधिक से अधिक फैट लॉस कर पाएं। हाइड्रेट एज मच एज यू कैन। हमारे शरीर का 70% हिस्सा पानी का होता है और शरीर की काफ़ी सारी प्रक्रियाओं में पानी का बेहद अहम रोल होता है। इसी प्रकार वेट लॉस से रिलेटेड प्रोसेस के लिए भी पानी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए आपको दिन में 12 ग्लास यानी करीब 3 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए। इस प्रकार सही मात्रा में पानी पीकर ही आप अपने वेट लॉस प्रोसेस को फास्ट बनाए रख सकते हैं। Try not eating carbohydrates at night after 7 PM. शाम 7 बजे के बाद नो कार्ब्स, या इसे यूं कह सकते हैं नो स्टार्ची कार्ब्स, यानी रोटी, चावल, शुगर, पोटैटो कुछ भी आपको शाम 7 बजे के बाद नहीं लेने हैं। बट आप लीन प्रोटीन सोर्स जरूर ले सकते हैं, जैसे एग वाइट्स या ग्रिल्ड चिकन ब्रेस्ट। वेजिटेरियन ऑप्शन में आप ले सकते हैं ग्रिल्ड लो फैट पनीर। इसके अलावा आपको डिनर में सैलड्स भी लेने चाहिए। अब जाते जाते टाइगर से एक बोनस लर्निंग। शॉर्टकट्स, आई डोंट थिंक यू विल अचीव एनीथिंग डूइंग शॉर्टकट्स ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो फ्रेंड्स, 3 दिन में 5 किलो या 5 दिन में 3 किलो जैसे लुभावने वादे वाले गलत वीडियोस के चक्कर में न पड़े। फैट लॉस कोई उतना फास्ट प्रोसेस भी नहीं होता है जितना ये लोग आपको बताते हैं। तो हेल्दी और सस्टेनेबल वे में अपना फैट लॉस करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना चाहिए वेट लॉस टीवी, और बेल बटन प्रेस करके आपको ऑल सेलेक्ट कर लेना चाहिए, और इसके बाद देखना चाहिए आपको इसका मस्ट वॉच प्लेलिस्ट,
जिसे देखकर समझकर और सही तरीके से फॉलो करके आप भी बड़ी आसानी से अपना वजन या बेली फैट कम कर सकते हैं, और इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बिना गलती किए और बिना टाइम वेस्ट किए किसी एक्सपर्ट यानी मेरे सुपरविजन में जल्द से जल्द अपना फैट लॉस करना चाहते हैं तो आपको ऑप्ट करना चाहिए मेरा ऑनलाइन वेट लॉस प्रोग्राम। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके बताएं। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।